छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक सुंदर कविता का वर्णन करने वाले हैं। तो इस कविता का नाम है हम नन्ही कलिकाएं। देखो, नन्ही मतलब क्या है? छोटी। तो छोटी कलिकाएं हमें क्या कहना चाहती हैं, वो इस कविता के द्वारा हम देखेंगे। देखिए, इस कविता में कवि ने नन्ही कलिकाओं के माध्यम से प्रेम, मेलजोल, परोपकार और समरसता की प्रेरणा दी है। इस कविता को हम पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। देखते हैं कविता को। हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार, खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काओं, चहक चहक कर पंछी डालों पर, कहते प्यार के गीत सुनाऊं, कली कली है इस गुलशन की, प्यार लुटाने को तैयार, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर थाती, सबसे हिल मिल कर है रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाएं, सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाएं, ताथे थे तत नर्तन को हरदम तैयार, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार, हमारा सुंदर है संसार। चहक चहक कर फुदक फुदक कर मन को मुग्ध बनाएं, तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाएं, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाएं, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। देखिए, अब इन कविता की पंक्तियों से हम स्पष्टीकरण देखेंगे। तो पहले परिच्छेद में देखिए, हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। नन्ही का मतलब है छोटी, कलिकाएं कैसी है? छोटी है, और वो बोल रही है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो संसार है, वो बहुत ही सुंदर है। देखो, उनको जो जीवन मिला है उससे वो बहुत खुश हैं। यह छोटी छोटी कलिकाएं अपने जीवन से बहुत ही खुश है और अपने वो संसार में बहुत ही खुश होने के कारण वो बोल रहे हैं कि हमारा जो संसार है बहुत ही सुंदर है। दूसरी पंक्तियाँ देखिए, खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काऊं। वो कहाँ खिलते हैं? कांटों में खिलते हैं ना। देखो, जब फूल खिलता है तो कांटों से ऊपर आता है। गुलाब का फूल आपने देखा है, कहाँ खिलता है? वो कांटों से ही खिलता है ना। तो कांटों से खिलते हुए उसको बहुत से ऐसे मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलें आती है उसके ऊपर, बहुत तकलीफें होती हैं उसको, पर उससे वो उभरता है, उससे वो खिलता है और खिलकर बाद में वो फिर से मुस्काता है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संकट आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, हमें भी उनसे उभरना है, उससे मार्ग निकाल कर उस संकटों का सामना करके हमें आगे जाना है, तभी हमारे जीवन में हम मुस्कुरा पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे कहेंगे कि नहीं, मेरे ऊपर अभी संकट आया है और मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, रोता रहूँगा, तो हमारा कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? संकट आने पर उसका सामना करना चाहिए और संकट के बाद हमें मुस्कुराना भी चाहिए। जैसे कि ये फूल कांटों में खिलते हैं, खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काऊं। बगीचा, उपवन का मतलब क्या है? बगीचा। यह बगीचे के एक कांटों के पौधे में खिलते हैं फूल, कांटों खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काऊं। यह उपवन में जब ये फूल खिलते हैं तो क्या कहते हैं? दूसरों को संदेश देते हैं, हमें संदेश देना चाहते हैं कि कांटों से ही हम खिलकर आए हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही आप मुस्कुराओ। कितनी भी आपके ऊपर संकटें आए, फिर भी आप उससे दुखी मत हो, आप मुस्कुराना सीख लो। चहक चहक पंछी डालों पर, कहते प्यार के गीत सुनाओ। देखिए, चहक चहक पंछी डालों पर, पंछी जो उस उपवन में पेड़ों के डालों पर बैठी हुई जो पंछी हैं, वो क्या बोल रहे हैं? इस कली को, इस कलिकाएं हैं छोटी छोटी, उनको बोल रहे हैं कि तुम हमें प्यार के गीत सुनाओ। कली कली है इस गुलशन की, प्यार लुटाने को तैयार। गुलशन का मतलब है बगीचा। गुलशन का मतलब क्या है? बगीचा। तो कली कली, प्रत्येक कली
इस बगीचे की जो प्यार लुटाने के लिए तैयार हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है, प्यार लुटाने को तैयार हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। देखो छोटी सी छोटी चीज़ भी कि हम उसको कमज़ोर नहीं समझ सकते, उसका भी एक अस्तित्व है, वो अस्तित्व वो बताना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं, वो दूसरों को क्या देती है, प्यार देती है। उसी तरह हमें भी दूसरों को प्यार देना आना चाहिए, दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। तो देखिए, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार, खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काओ, चहक चहक पंछी डालों पर कहते प्यार के गीत सुनाओ, कली कली है इस गुलशन की, प्यार लुटाने को तैयार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें दे रही है कि सबके साथ उतना ही प्यार करो जितना हम खुद से करते हैं, और हमारा जीवन जो हमें मिला है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर हमने दो शब्दों का अर्थ देखा, एक है नन्ही जिसका अर्थ है छोटी, और गुलशन जिसका अर्थ है बगीचा। अब दूसरे परिच्छेद में देखते हैं, हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर थाती, सबसे हिल मिलकर है रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। देखिए, हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर थाती, इस जो हमें जीवन मिला है उसका हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छा इस उसका फायदा उठाना चाहिए। इस जीवन की सुंदर थाती, यह हमारे जीवन की धरोहर है, पूंजी है। हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर थाती, यह हमें जो कलिकाएं कह रही हैं कि हमारी हमारा जो जीवन है, यह हमारे जीवन जो हमें मिला है वह हमारी थाती है, यानी धरोहर पूंजी, हमारा धन है हमारा जीवन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उस जीवन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उचित तरीके से हमें हर अपने जीवन में कार्य करने चाहिए। सबसे हिल मिलकर है रहती, मधुर तराने गाती, यह किसी से भेदभाव नहीं करती, कलिकाएं किसी से भेदभाव नहीं करती। देखो बगीचे में आप गए तो हमें क्या होता है, उसको देखकर खुशी होती है या नहीं, खुशी होती है या नहीं, होती है, हमें कलियों को देखकर खुशी होती है। जब हमारा मन उदास होता है, हमने कली को देखा, फूल को देखा, तो हम निराश, जितना भी हमारा मन निराश है हम क्या करते हैं, प्रसन्नता पाते हैं, उस फूल को देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब क्या करते हैं, देखिए, सबसे हिल मिलकर है रहती, मधुर तराने गाती, और ये एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहती हैं, कलिकाएं एक दूसरे के साथ मेल जोल से रहती हैं, और हर एक के साथ वो अच्छे अच्छे गीत गाकर रहती है, मधुर तराने गाती, किसी के साथ ऐसा नहीं कहता है, वो एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहती हैं। राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, राग द्वेष, राग याने प्रेम और द्वेष याने मन में जलन की भावना, राग द्वेष मन में जलन की भावना इसके जरा भी नहीं होती है, हर एक के साथ उसका व्यवहार अच्छा ही रहता है। राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, अपरंपार का मतलब क्या है, अपार, अपरंपार याने अपार, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, स्नेह का मतलब है प्रेम प्यार, तो राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, इनमें अपार प्रेम भरा हुआ है, वो किसी के साथ ऐसे जलन की भावना नहीं रखती हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं, और इनको जो जीवन मिला है वही उनकी पूंजी है, ऐसे इनका मानना है। हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार, छोटी होकर भी इसको अपने जीवन का महत्व समझ में आ गया है, मनुष्य को अपने जीवन का महत्व नहीं है, वो क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, ऐसे ही उसके जीवन की उसे कीमत ही नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, अपनी जान आसानी से दे देता है। पर अपने जीवन से प्यार करना सीखो, हमें जो जीवन मिला है उससे प्यार करना सीखो, तभी हम इस कलियों की तरह जी सकेंगे। हमने अगर दूसरों को प्यार दिया तो दूसरा भी हमें प्यार देगा,
हमने दूसरों के दुख को कम किया तो दूसरा भी हमें हमारे दुख कम कर देगा। हम दूसरों के सुख में शामिल हुए तो वो भी हमारे सुख में शामिल हो पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन कलियों की तरह रहना आना चाहिए। तो देखिए, हम नन्ही कलिकाएं इस जीवन की सुंदर थाती, सबसे हिल मिलकर हे रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। देखिए अगले परिच्छेद में यहाँ पर, चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाएं, सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाए। ता थे तत् नर्तन को हरदम तैयार, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। देखिए, यह जो कलिकाएं हैं वह सिर्फ जमीन पर रहना नहीं चाहती, उसकी जो सपने हैं, उसके सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े सपने हैं। जैसे मनुष्य सपने देखता है ना, और उसे पूरा नहीं कर पाता है, वो सिर्फ सपने देखने का काम करता है। तो इसके जो सपने हैं वो भी बहुत बड़े हैं और उसे पूरा भी करना चाहती हैं। चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाएं। देखो है कितनी सी, छोटी सी है, पर फिर भी उसके जो आशाएं हैं, वो सपने हैं उसके, वो बहुत बड़े हैं। और हमें भी ऐसे ही सपने रखने चाहिए और उसे पूरा करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाएं। तो यहाँ पर जो कलिकाएं हैं वो कहाँ की सैर करने वाली है, गगन की सैर करने वाली है, और कहाँ नाव चलाने वाली है, नदियों में। तो सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाएं। हर्षित का मतलब क्या है, हर्षित यानी आनंदित। सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाएं। देखो कलियों को देखते ही हमें क्या होता है, आनंदित होते हैं ना हम, हमारा मन आनंदित हो जाता है। तो कलियों को देखते ही हम अपने दुख भूल जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, कैसे, दूसरों का मन हर्षित करने से, दूसरों को आनंद देकर हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं, ऐसे कलियों का कहना है। सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाए। अगर हमारा जीवन सफल बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों के मन को आनंद देना चाहिए। ता थे तत् नर्तन को हरदम तैयार, यह हमेशा सुख में होने के कारण, हमेशा खुश होने के कारण वो हरदम नाचने के लिए तैयार होती हैं। कैसे नाचती हैं, ता थे तत् नर्तन को हरदम तैयार। नर्तन का मतलब क्या है, नाचना, नर्तन यानी नाचना। तो हरदम यह नर्तन के लिए तैयार रहती है, मतलब देखो कितनी खुश रहती हैं, है ना, अपने जीवन में यह कलिकाएं कितनी खुश हैं, दूसरों को सुख देकर यह खुद भी सुखी हैं। हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। फिर से वो बोल रही है कि हम नन्ही हैं पर हमारा जीवन, हम नन्ही कलिकाएं हैं पर हमारा जीवन जो है बहुत ही सुंदर है, हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। चहक चहक कर, फुदक फुदक कर, मन को मुग्ध बनाएं, तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाएं, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाएं, हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। देखो अगर दूसरों के मन को मुग्ध बनाना है, दूसरों के मन को मोह लेना है, मुग्ध का मतलब क्या है, मोह लेना, तो चहक चहक कर, फुदक फुदक कर मन को मुग्ध बनाएं। नन्ही कलिकाएं दूसरों के मन को कैसे मुग्ध करते हैं, कैसे मोह लेते हैं, चहक चहक कर, फुदक फुदक कर, यह दूसरों के मन को मोह लेते हैं। तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाते हैं। देखिए तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाएं, किस तरह से, देखिए वो जमीन पर भी रहते हैं और हम अगर पर्वत पर गए, किसी पर्वत पर हम चढ़े तो वहाँ पर भी हमें यह कलिकाएं दिखती हैं, पर चढ़ते वक्त वो कैसे दिखते हैं, तरह तरह के खेल दिखाने वाले लगते हैं। तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाएं, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाएं। देखिए यहाँ पर हृदय का मतलब है मन, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाएं। और इन्होंने क्या किया है, सबको गले लगाया है, सबको अपने
पास लिया है और खोल दिए हृदय के द्वार। मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं, सबके प्रति उसमें प्रेम भाव है। सबके प्रति प्रेम भाव होने के कारण सबको उसने अपने गले लगा लिया है। खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाए, हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार। देखो फिर से उसने कहा है कि हमारा जीवन जो हमें मिला है बहुत ही सुंदर है, हमारा संसार बहुत ही सुंदर है। हम नन्ही हैं, हम छोटी हैं, फिर भी हम अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। उसी तरह यहाँ पर राजेंद्र रघुवंशी कहते हैं कि हमें भी इन कलिकाओं की तरह अपने जीवन से प्यार करना है, अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन से भी हमें प्यार करना आना चाहिए, दूसरों के सुख में भी हमें शामिल होना आना चाहिए, किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए और सबसे मेल जोल की भावना रखनी चाहिए, हमेशा दूसरों को मदद करनी आनी चाहिए। इतना इस कविता के द्वारा राजेंद्र रघुवंशी ने कलिकाओं के माध्यम से हमें संदेश दिया है। तो यहाँ पर ये जो कविता है उसका फिर से एक बार वाचन करता हूँ और ये कविता हमारी पूरी हो जाएगी। हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार, खिलकर फूल सदा उपवन में, कहते कांटों में मुस्काओ, चहक चहक पंछी डालों पर, कहते प्यार के गीत सुनाओ, कली कली है इस गुलशन की, प्यार लुटाने को तैयार, हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार। हम नन्ही कलिकाए, इस जीवन की सुंदर थाती, सबसे हील मील कर है रहती, मधुर तराने गाती, राग द्वेष से सदा दूर हम, भरा स्नेह है अपरंपार, हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार। चलो गगन की सैर करें हम, नदियों में चल नाव चलाए, सबका मन हर्षित कर दे हम, इस जीवन को सफल बनाए, ताथे थे तत नर्तन को हरदम तैयार, हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार। चहक चहक कर फुदक फुदक कर मन को मुग्ध बनाए, तरह तरह के खेल दिखाकर पर्वत पर चढ़ जाए, खोल दिए हृदय के द्वार, सबको गले लगाए, हम नन्ही कलिकाए, हमारा सुंदर है संसार। बहुत ही अच्छी कविता राजेंद्र रघुवंशी ने लिखी है। आपको इसको दोबारा पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिख कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कविता जो है हम नन्ही कलिकाए जो कविता है यहाँ पर समाप्त होती है।